And we find happiness in this cycle of acquisition and possession and enjoyment of that possession. पर हम ये भूल जाते हैं कि इसी acquisition और possession और enjoyment की cycle को ही कहा गया है काम क्रोध मद लोभ मद नाख नाथ नरक के पंथ सब परिहरि रघुबीर ही भजहु भजहि जहि संत। काम का अर्थ होता है डिजायर, कामना। और सारी की सारी कामनाएं हमारे अपने मन की हमारे अंदर जो उमड़ती घुमड़ती हैं वो डिपेंड करती हैं हमारे गुणों पर। तो वेद और वेदांत इस सांसारिक सुखों के अंबार, सुविधाओं के अंबार के बीच एक दूसरी लाइन प्रोपोगेट करता है, और वो लाइन है आंतरिक सुख, द इंटरनल हैप्पीनेस। एंड इंस्टेड ऑफ दिस एक्सटर्नल हैप्पीनेस विच द साइंस हैज प्रोवाइडेड, वेद से टू इंट्रोस्पेक्ट। जैसे मैंने कहा, ये जो ह्यूमन कामना है ये डिपेंडेंट है हमारे अपने गुणों पर। तो वेदों ने हमारे गुणों के तीन प्रकार बताए हैं। तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, जिन्हें हम तमस, रजस और सत्व, सात्विकता भी कहते हैं। तमस गुण होता है जब हमारी कामनाएं प्रेडोमिनेंटली आलस्य से भरपूर हों, लालच से भरपूर हों, लोभ मोह से भरपूर हों, तो हमारे व्यक्तित्व के गुणों में तमस गुण प्रभावी है। इसके विपरीत जब हमारे अंदर बहुत पैशन होता है, एक्विजिशन की बहुत तीव्र इच्छा होती है, जब हम इन वर्ल्डली एक्सटर्नल प्लेजर्स को अचीव करने के लिए दिन रात एक करते हैं, हम व्यक्तित्व के आकलन का मापदंड ही किसी व्यक्ति के एक्विजिशंस के आधार पर तय करते हैं। तेरे पास पैसा कितना है, तेरे पास गाड़ी कौन सी है, तेरे पास प्रॉपर्टी कितनी है, जब हमारा ये मापदंड ही इन मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट का होता है, तब हम रजोगुण से प्रभावित हैं। हमारे अंदर प्रेडोमिनेंटली रजस है, रजोगुण है। रजोगुण से ओतपोत व्यक्ति प्रोएक्टिव होता है, तमोगुण से ओतप्रोत व्यक्ति आलसी होता है,
वो एक्शन में बिलीव नहीं करता, वो दूसरों के एक्शन का सिर्फ लाभ उठाने के स्वप्न देखता है, वो सोता है, वो व्यसनों से ओतप्रोत होता है, तमाम व्यसन से घिरा होता है। वो व्यक्ति तमोगुण का होता है, और जो प्रोएक्टिव होता है, जो एक्विजिशन करना चाहता है, जो मटेरियलिस्टिक प्रेडोमिनेंस का होता है, वो रजोगुण से ओतप्रोत होता है। और वेद कहते हैं कि तीसरा गुण है सत्वगुण, जिसमें सात्विकता का प्रेडोमिनेंस है। सात्विकता का प्रेडोमिनेंस जिन गुणों में होता है, वो व्यक्ति स्पिरिचुअली टिल्टेड होता है। वो एक्विजिशंस होने के बाद भी डिटैचमेंट रहता है उसका। सात्विक व्यक्ति सन्यासी हो ऐसा जरूरी नहीं है। इस संसार में रहते हुए भी व्यक्ति सात्विक हो सकता है। वेद कहते हैं सात्विकता का अर्थ सन्यास नहीं है, और आगे चल के मैं सन्यास को भी डिफाइन करूंगा। सात्विकता का अर्थ है कि तमाम मटेरियलिस्टिक एक्विजिशन के बीच रहकर भी अगर आप डिटैच रह सकें, अगर आप अपने मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स से अटैचमेंट को ब्रेक कर सकें। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आपने एक नई कार खरीदी और बड़ी खूबसूरत सी उस कार में आप यात्रा कर रहे हैं, और उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। कल्पना कीजिए कितनी पीड़ा आपको होगी कि ये नई नई कार खरीदी, ओहो इतना नुकसान हो गया, बड़ा कष्ट है, बहुत माथा ठोकेंगे आप, बड़ी तकलीफ में आ जाएंगे आप। अभी कार का खर्चे से उभरे नहीं कि रिपेयर का खर्चा। अब इसके विपरीत यही यात्रा आप किराए की कार में कर रहे हैं, और उस किराए की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जरा विचार कीजिए, क्या उतनी पीड़ा आपको होती है? होगी, थोड़ी पीड़ा होगी, अरे ड्राइवर साहब आपका नुकसान हो गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, परेशान मत होना, देखो किसी को चोट वोट नहीं लगी, ये ज्यादा बड़ी बात है। ये फिलोसॉफिकल टॉक सडनली आप देने लगते हैं। आप डिस्टर्ब नहीं हैं, क्योंकि आपकी कार का कोई नुकसान हुआ नहीं है, वो तो किराए की कार थी, आपका किराया देते ही वो संबंध खत्म। अब ये दोनों स्थितियों को समझिए। नुकसान भी दोनों जगह हुआ है, एक जगह पीड़ा ज्यादा है, दूसरी जगह पीड़ा नहीं है या कम है। तो इस डिफरेंस का रीजन क्या है? द डिफरेंस, द रीजन बिहाइंड द डिफरेंस इज दैट अटैचमेंट। क्योंकि जो आपकी अपनी कार थी, आपका अपना एक्विजिशन, आपका अपना पोजेशन था, उससे आप अटैच थे, और जो किराए की कार है उससे कोई अटैचमेंट नहीं है, आप डिटैच्ड हैं, तो पीड़ा नहीं हो रही, और जो हो भी रही है वो किसी दूसरे के लिए थोड़ी सी संवेदना है, सहानुभूति है, पीड़ा नहीं है। तो ये एग्जाम्पल इसलिए दिया कि आप बात को समझिए कि जितने मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स आप करते हैं, जितने पोजिशंस आप लेते हैं, और आप
गर्व से कहते हैं कि ये पोजीशन मेरा है, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये मेरा वो मेरा। बेसिकली वेद कहते हैं पजेस आप नहीं कर रहे हैं, आप पजेस हो रहे हैं, आप उन आर्टिकल्स के पोजेशन में स्लेव होते जा रहे हैं। जितने जितने एक्विजिशन उतना उतना बर्डन बढ़ता जा रहा है, और आप सुख ढूंढ रहे हैं और सुख अल्यूड हो रहा है क्योंकि आपके अटैचमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। जिसे हम कहते हैं राग, दो टर्म है संस्कृत में, राग और द्वेष। मोह कहते हैं राग को, मोह होता जा रहा है। जितना जितना पोजीशन आप एक्वायर करते रहे हैं उतना मोह बढ़ रहा है, और आप ढूंढ रहे हैं सुख। तो बेसिकली तो सुख डिप्लीट हो रहा है। तो वेद कहते हैं कि फ्री योरसेल्फ, जितना अपने आप को फ्री करते जाओगे सुख बढ़ता जाएगा, और जितना बर्डन करते जाओगे सुख डिप्लीट होता जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। चाइनीज फिलोसोफर ह्यूएन सांग का आप सबने नाम सुना होगा। वो भारत आया आज से लगभग 2500 साल पहले, और मगध के राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के महल में जाकर उसने पूछा कि भाई चाणक्य जी कहाँ मिलेंगे। तो द्वारपाल ने कहा चाणक्य यहाँ कहाँ, ये तो महाराज चंद्रगुप्त का महल है। तो बोले भाई ये तो सबसे बड़ा महल हिंदुस्तान का यही लग रहा है। बोले हाँ यही है सबसे बड़ा, तो यहां चाणक्य नहीं रहते। बोले नहीं। तो ह्यूएन सांग को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने कहा कि मैंने तो सुना था कि भारतवर्ष का सबसे पावरफुल आदमी चाणक्य है, तो सबसे पावरफुल जगह में नहीं रहता तो कहां रहता है वो। तो द्वारपाल ने कहा चाणक्य जी को मिलना है तो जंगल में जाइए, वहां वो पर्णकुटी में कहीं मिल जाएंगे आपको। ह्यूएन सांग को बड़ा आश्चर्य हुआ। बहरहाल चाणक्य से मिलना था तो खोजते खोजते जंगल में पहुंच गया। पर्णकुटी में देखा एक साधु बीच में बैठा हुआ है, एक छोटा सा दिया जल रहा है, काम कर रहा है। वो भी प्रणाम करके बैठ गया। चाणक्य ने सर उठाया, कहा बैठ जाइए। काम खत्म किया, दिया बुझा दिया, उठे और दूसरा दिया जलाया और उनसे कहा कि बताइए कैसे आना हुआ। तो उन्होंने कहा साहब आना तो बाद में बताएंगे, ये क्या किया आपने, एक दिया बुझा दिया दूसरा जला दिया। तो उन्होंने कहा नहीं वो सरकारी दिया था, सरकारी काम कर रहा था, काम खत्म हो गया बुझा दिया, अब आप मेरे पर्सनल मेहमान हैं, ये मेरा पर्सनल दिया है तो मैंने जला दिया। वह इंसान को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने कहा कि साहब मैं तो बड़ा परेशान हूँ, यहाँ रहते हैं आप, यहाँ तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, और मैंने तो सुना यू आर द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ द नेशन। तो उन्होंने कहा आपने बिल्कुल सही सुना, तो इसमें आश्चर्य क्या है, बिकॉज आई एम द मोस्ट पावरफुल मैन आई डोंट नीड सिक्योरिटी, मुझे क्यों सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी तो उसे चाहिए जिसने अकूत संपत्ति इकट्ठी कर रखी है, जिसकी संपन्नता का पारावार नहीं है। वो राजा है चंद्रगुप्त, उसने महल बनाया है, परकोटे पे परकोटे लगाए हैं, द्वारपाल खड़े किए हैं, उसको भय है ना, मुझे क्या भय, मेरे पर कुछ है ही नहीं, क्या ले जाएगा मुझसे कोई। तो ये किस्सा मैंने इसलिए सुनाया कि सी द पावर ऑफ डिटैचमेंट।
एक्विजिशन होना कोई बुराई नहीं है, मगर एक्विजिशन से मेंटल अटैचमेंट होना तकलीफ का कारण।